हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिस बच्चे ने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो उनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन उन्हें कहां से मिलेगी, क्लासेस का शेड्यूल उन्हें कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बच्चों से जो सेमेस्टर बेस में हैं। अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में किसी सेमेस्टर बेस या किसी 6 मंथ वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अब आपकी क्लासेस बिल्कुल शुरू हो जानी चाहिए। अगर अभी तक भी आपको आपकी क्लासेस का शेड्यूल नहीं पता तो या तो स्टडी सेंटर में आप फिज़िकली विज़िट कीजिए या फिर अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एक काउंसलिंग का शेड्यूल होता है वो चेक कीजिए कि वहाँ पर शेड्यूल आया है या नहीं। अगर वहाँ पर शेड्यूल आपको मिलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने स्टडी सेंटर से प्लीज़ फिज़िकली कॉन्टेक्ट कीजिए अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो इग्नू की। अगर बिना क्लासेस के एग्ज़ाम देना चाहते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लासेस की कोई टेंशन ही आपको नहीं लेनी। वहीं बात आती है उन बच्चों की जो मोस्टली बच्चे होते हैं एनुअल बेस्ड प्रोग्राम के, तो वो जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम के बच्चे हैं जिसमें बैचलर्स लेवल के काफ़ी सारे कोर्सेज हो गए, मास्टर्स लेवल के काफ़ी सारे कोर्सेज हो गए, तो जनवरी सेशन अगर आपका है तो आपकी जो क्लासेस का आइडियल मंथ होता है स्टार्ट होने का वो जुलाई होता है। जी हाँ, जुलाई के मंथ तक आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आना शुरू होगी। अब जो हमारा पहला सवाल था कि ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी कैसे, एक तो जो इग्नू होता है वो आप लोगों को आपके ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजता है जिसमें हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, उसको जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पर जो उस ग्रुप के कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कि आपके एक्चुअल में टीचर ही होते हैं, जो आपकी क्लास लेने वाले होते हैं, क्लास इन द सेंस जो आपके लेक्चर्स लेने वाले होते हैं, तो वही उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप लोगों को अब आपके क्लासेस का शेड्यूल भेजेंगे या फिर इग्नू डायरेक्टली ईमेल के अंदर डायरेक्टली क्लासेस का शेड्यूल आपको भेज देता है जिसमें अगर ऑनलाइन होनी होती है तो उसमें लिंक होता है और ऑफलाइन होनी होती है तो उसका शेड्यूल वगैरह इग्नू आप लोगों को भेज देता है। एक तो ये तरीका होता है और मैं आइडियल टाइम आपको बता दिया कि कब ये चीज़ होती है, जून से जुलाई के मंथ में। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो आपका रीजनल सेंटर है, जिस भी रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया है उसकी वेबसाइट पर जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वेबसाइट पर जाने के बाद हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर काउंसलिंग का सेक्शन होता है, काउंसलिंग शेड्यूल करके वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको आपके स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग की टाइम टेबल मिलेंगे, उसको देखकर भी आप अपनी क्लासेस लेने के लिए जा सकती हो। ये तरीके होते हैं इग्नू के क्लासेस का शेड्यूल पता लगाने के लिए। अगर जुलाई का मंथ ख़त्म होने तक भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेमेस्टर वाइज वाले बच्चे तो अभी जा सकते हैं लेकिन जो एनुअल वाइज वाले बच्चे हैं, अगर जुलाई का मंथ ख़त्म होने तक भी आपको ना तो इग्नू की तरफ से कोई ईमेल आया, ना ही आप कोई ग्रुप में ज्वाइन हुए और ना ही आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर कोई शेड्यूल आया है, तो उस केस में अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आप लोग अपने स्टडी सेंटर में प्लीज़ एक बार ज़रूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा फिज़िकली कि क्या स्टेटस है हमारी क्लासेस का, और सैटरडे या संडे में कॉन्टेक्ट कीजिएगा जो भी आपका स्टडी सेंटर है। तो अभी जनाब आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, इन द मीन टाइम आपसे रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट आ गए हैं बनाना शुरू कर दीजिए। कुछ कोर्सेज़ के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर हमने वीडियोस बनाई थी, आप लोग और कमेंट करोगे तो प्लीज़ मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने आया था। थैंक यू।